आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। आज हम कुछ ऐसे ही साइंस के बारे में बात करने वाले हैं जो हार्ट अटैक से पहले आपकी बॉडी आपके दिमाग को मिल जाते हैं, लेकिन आप उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि हार्ट अटैक से पहले आपकी बॉडी आपको साइंस देती है? तो चलिए उन साइंस के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कितनी गंभीर बीमारियां हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हैं। तो हार्ट को फिट रखना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि इसके अनफिट होने पर पूरी जिंदगी आपको दवाओं के सहारे ही बितानी पड़ सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि बदलते लाइफस्टाइल में अपने खाने पीने से लेकर एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान दें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप तनाव बिल्कुल ना लें, क्योंकि स्ट्रेस जो है हार्ट अटैक का सबसे बड़ा रीजन होता है। इसके अलावा बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हार्ट को अनहेल्दी यानी कि अनफिट बनाता है। जैसे कि सीने में बेचैनी होना, ये बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये काफी आम होता है, इसलिए लोग इसे हल्के में लेकर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सीने में दर्द या बेचैनी हार्ट की बीमारी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही आम लक्षण है। छाती में दर्द, जकड़न और दबाव महसूस होने पर हार्ट अटैक के संकेत आपको मिल रहे हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि बिना सीने में दर्द भी दिल का दौरा पड़ सकता है। इसके अलावा आपको काफी टायर्डनेस यानी कि थकान महसूस होती होगी, अपच और पेट में दर्द के चलते भी हार्ट अटैक जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट के बीमार होने पर आपको थकान महसूस होना काफी आम है और पेट में दर्द की शिकायत भी काफी आम है, इसलिए लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं और इस बीमारी को इग्नोर कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये आगे जाकर और विकराल रूप ले लेता है और सीधा आपके दिल पर अटैक करता है। इसके अलावा शरीर में बाईं तरफ दर्द भी उठता है, जो हार्ट के अनहेल्दी यानी कि अनफिट होने का एक बड़ा संकेत है। इस कंडीशन में दर्द छाती से शुरू होता है और नीचे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ये दर्द भी आपको कहीं ना कहीं एक संकेत देता है कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। वहीं चक्कर आना यानी कि फेंट होना हार्ट के अनहेल्दी होने का एक साइन है। वैसे तो डिहाइड्रेशन की वजह से भी लोग चक्कर खाकर गिर जाते हैं, लेकिन ये हार्ट के अनफिट होने का एक बड़ा संकेत होता है। तो आप समझ जाइए, जैसे ही अगर आपको चक्कर आया है तो आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि कहीं ना कहीं आपके दिल पर भी इसका असर पड़ने वाला है। तो अपने हार्ट को हेल्दी रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। वहीं गले या जबड़े में दर्द होना भी हार्ट अटैक का एक सिम्टम हो सकता है। गले या जबड़े का दर्द भी हार्ट अटैक का एक सिम्टम हो सकता है। वैसे तो गले या जबड़े में दर्द दिल से कोई संबंध नहीं रखता है, लेकिन ये सर्दियों में साइनस की वजह से होता है। वहीं कई बार सीने में दर्द का दबाव होने की वजह से भी गले में दर्द या जबड़े में दर्द हो सकता है। इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपके हार्ट से भी रिलेट करता है, इसलिए आप इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें। ये सिम्टम्स भी कहीं ना कहीं आपके लिए आपके हार्ट को अनहेल्दी होने का साइन देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, टायर्ड फील करते हैं या फिर आपको अंदर से कमज़ोरी महसूस होती है, तो इसे बिल्कुल भी ना नज़रअंदाज करें, क्योंकि ये भी आपके दिल के कमज़ोर होने का एक साइन है। यहाँ पर आपको हार्ट अटैक हो सकता है, इसका ये एक बड़ा लक्षण होता है। वहीं अगर आपको पसीने ज़्यादा आते हैं तो भी ये एक सिम्टम है। इसमें माना जाता है कि आपका हार्ट पंप सही तरीके से नहीं हो रहा है, इसलिए आपको पसीने ज्यादा आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका जो कनेक्शन है वो भी दिल से जुड़ा हुआ है। सोते वक्त खर्राटे ज्यादा लेना भी एक हार्ट अटैक का सिम्टम है। तो फ्रेंड्स, अगर ये साइन या सिम्टम आपको भी फील हो रहे हैं तो अलर्ट हो जाइए और अपनी लाइफस्टाइल से लेकर अपने फिटनेस पर काफी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये दिल का मामला है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।